नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में थी। ग्वालियर यानी सिंधिया घराने का राजनीतिक गढ़, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज प्रासाद जहां है। सिंधिया घराने की पूरी राजनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र ग्वालियर, और उस ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली में, कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया को विचारधारा से पलटने वाला बता दिया। यानी एक तरह से इशारों इशारों में वे सिंधिया को पलटू कह गई हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी और उसमें प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार पर, शिवराज सिंह सरकार के घोटालों पर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर, मणिपुर के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, घोटालों के मुद्दे पर बहुत विस्तार से प्रियंका गांधी ने बात की। लेकिन जिस चीज पर लोगों की नजर थी कि वे सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद पहली बार ग्वालियर आई थी और इतनी बड़ी सभा को संबोधित कर रही थी, तब वे सिंधिया के बारे में क्या कुछ कहती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने बड़ी चतुराई से कुछ इस तरह से बात कही कि बात लोगों तक पहुंच भी गई और तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में जब से दल बदल किया है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेस के नेता उन्हें गद्दार बताते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। तो प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि वे 10 मिनट तक सिंधिया जी की विचारधारा के पलटने पर बोल सकती हैं, लेकिन बोलेंगी नहीं। यानी बिना कुछ कहे, बहुत विस्तार में जाए बिना उन्होंने कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी विचारधारा पलट ली है। उनकी मौजूदगी में ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया घराने के गद्दारी के इतिहास पर बात कही। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तब भी सिंधिया ने गद्दारी की थी, यानी सिंधिया परिवार ने। और उसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया के समय जो 1967 में दल बदल हुआ था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसका जिक्र किया। और अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भूमिका रही है, उस पर भी आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कमलनाथ से यहां तक मांग कर दी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हजारों करोड़ की जमीन पर जो कब्जे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुन लीजिए डॉक्टर गोविंद सिंह क्या कह रहे हैं। लक्ष्मीबाई जी का साथ दे देता तो आज से आजादी 100 वर्ष पहले आ गई होती। वही इतिहास गद्दारी का लगातार दोहराया जा रहा है। एक आज फिर 166 वर्ष के बाद इसी खानदान के, जिसकी पहुंच माननीय सोनिया जी, राहुल जी के घर में बेझिझक बेधड़क थी, उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी और सबको धोखा देकर फिर वही 166 वर्ष के बाद वही गद्दारी का इतिहास दोहराया। आज मैं पूछना चाहता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग के नागरों, आप लोगों की खून पसीने की मेहनत से ग्वालियर की ताकत के बल पर इस इलाके से सरकार बनी थी कांग्रेस की। इस व्यक्ति ने फिर वही अपनी
चाल चल कर धोखा देकर जिसका लगातार खानदानी से चार चार इसका गद्दारी का इतिहास रहा इस खानदान का। लक्ष्मी प्रसाद के साथ गद्दारी की 1967 में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, सरकार तोड़ी, विकास कांग्रेस बनाई और आज पर जाके अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने व्यापार धंधे बना के लिए वही व्यक्ति आज फिर अपने साथ गद्दारी करके सरकार को गिराने का काम किया। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि लगातार शिवपुरी, ग्वालियर और उज्जैन की लगभग 30,000 करोड़ की जमीनें और महल जो मर्जर के बाद आज़ादी में जो समझौता हुआ था भारत सरकार और सिंधिया राज स्टेट का, और उस समझौते में जो जमीनें, जो भूमि और संपत्तियां सरकार को दी गई थी, जो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति थी, आज 20,000 करोड़ से ज्यादा संपत्तियां एक परिवार ने हड़प ली हैं। तो गोविंद सिंह की इस मांग पर जब सरकार बनेगी तब कमलनाथ क्या रवैया अपनाते हैं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन खुद कमलनाथ उन्होंने भी एक वाक्य में सिंधिया पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं कोई महाराजा नहीं हूं, यानी वे सिंधिया घराने पर, सिंधिया पर ये आरोप लगा रहे थे कि वे राजे महाराजे हैं। शिवराज सिंह के लिए उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि मैं मामा हूं, मध्य प्रदेश का किसान का बेटा हूं। कमलनाथ ने कहा ना तो मैं कोई महाराजा हूं, न किसान का बेटा हूं, न मैं मामा हूं। कमलनाथ ने कहा कि मैं आम आदमी हूं और आप सबका भाई हूं। देखिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं। प्रदेश का हर वर्ग आक्रोशित है, मैं महाराजा नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं महाराजा नहीं हूं। जो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं आप सबका। तो आज की कांग्रेस की इस जन आक्रोश रैली में कुछ घटनाएं और भी हुई। प्रियंका गांधी ने शुरुआत ही ग्वालियर में आने के बाद 1857 की क्रांति में ग्वालियर में शहीद हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर की। प्रियंका गांधी विशेष विमान से ग्वालियर आई और सीधे लक्ष्मीबाई की समाधि है वहां पहुंची, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की, और वहां से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया इसमें भी एक संकेत छुपा था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सिंधिया राजघराने से आते हैं उस राजघराने के उनके उनके परदादा जयाजी राव सिंधिया पर 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों से गद्दारी करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जब क्रांतिकारी और महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आए थे तब अंग्रेजों का साथ दिया था, और उन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके प्रियंका गांधी ने एक तरह से सिंधिया परिवार को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। यद्यपि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं भी सिंधिया परिवार के पहले व्यक्ति हैं जो लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आए हैं। एक घटना और हुई, प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो बैनर पोस्टर लगाए थे, जो होर्डिंग्स लगाए थे, उनमें कुछ बैनर्स पर सुभद्रा कुमारी चौहान की वो बहुचर्चित कविता छपी हुई थी, कविता की वो पंक्तियां जो सबसे ज्यादा पीड़ादायी हैं सिंधिया परिवार के लिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ये जो दो लाइनें हैं, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, इससे सिंधिया परिवार को बहुत तकलीफ होती है। तो आज स्थानीय प्रशासन ने जिन जिन पोस्टर्स पर ये पंक्तियां छपी हुई थी, जिन बैनर्स पर, जिन होर्डिंग्स पर, उनको प्रियंका गांधी के आने से पहले, उनकी सभा से पहले उतरवा दिया था। लेकिन कुल मिलाकर आज की कांग्रेस की सभा, प्रियंका गांधी की जन आक्रोश रैली प्रकारांतर से सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की हुंकार की तरह थी। देखना होगा आने वाले समय में चुनाव तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच ये गद्दारी और वफादारी के कितने आरोप प्रत्यारोप
लगते रहते हैं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।